क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट जीके है, चैप्टर फर्स्ट है, लिखा हुआ है सीजन्स नेम। चैप्टर फर्स्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, सीजन्स नेम पढ़ना। तो सीजन मीन्स क्या होता है, ऋतु होता है, इसको मौसम भी बोलते हैं। आप लोगों को मौसम के बारे में जानना है कि कौन कौन से मौसम होते हैं। हमारे भारत में एक समान मौसम नहीं रहता है, मौसम चेंज होते रहता है। तो उस मौसम के बारे में जानना है कि कौन कौन से मौसम होते हैं। तो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आप लोग हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़िए इसको मेरे साथ। एस यू डबल एम ई आर, समर। समर मीन्स क्या होता है, गर्मी। गर्मी के मौसम आप लोग समझते हैं। उसके बाद है विंटर, डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर। विंटर मीन्स क्या होता है, ठंडा होता है। ठंडा का मौसम आप लोग समझते हैं। उसके बाद है स्प्रिंग, एस पी आर आई एन जी, स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स क्या है, बसंत ऋतु। स्प्रिंग मीन्स क्या होगा, बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु के बारे में आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ बसंत ऋतु में क्या होता है। ये बसंत ऋतु मार्च अप्रैल और मई के महीने में आती है। इस मौसम में जो पेड़ होते हैं उस पर हरी नई पत्तियाँ आने लगती है, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। तो इसी वो मौसम इसलिए इस मौसम को बसंत ऋतु कहते हैं। जहाँ पेड़ पे नए नए पत्ते आने लगते हैं, आप लोग इतना ही समझिए कि जब पेड़ पे नए नए पत्ते आने लगते हैं तो उस ऋतु को बसंत ऋतु कहते हैं। उसके बाद है ऑटम, ए यू टी यू एम एन, ऑटम। ऑटम मीन्स क्या होता है, शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु को पतझड़ भी कहते हैं। शरद ऋतु को क्या बोलते हैं, पतझड़ भी बोलते हैं। इसको भी आप लोग कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। पतझड़ में, पतझड़ का जब सीजन आता है तब पेड़ से पत्तियाँ गिरने लगती है, इसलिए उस ऋतु को क्या बोलते हैं, शरद ऋतु बोलते हैं, पतझड़ भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको ऑटम बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका ये है रेनी, आर ए आई एन वाई, रेनी। रेनी में क्या होता है, बरसात होता है। बरसात समझते हैं, जब बारिश होने लगती है, बरसात का मौसम आता है, फिर बरसात। यहाँ पे आप लोगों को पांच सीजन नेम पढ़ना है। देखिए हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग फिर से एक बार और पढ़िए। एस यू डबल एम ई आर, समर। समर मीन्स गर्मी। डब्ल्यू आई एन टी ई आर, विंटर। विंटर मीन्स ठंडा। एस पी आर आई एन जी, स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु। ए यू टी यू एम एन, ऑटम। ऑटम मीन्स शरद ऋतु होता है, पतझड़ भी होता है, पतझड़ ही बोलते हैं उसको। आर ए आई एन वाई, रेनी। रेनी मीन्स बरसात होता है। तो आप लोग इसको, कल हम बताए थे कि आप लोग को दो हिंदी का कॉपी खरीदना है, दो इंग्लिश का और एक मैथ का। तो आप लोग को दो हिंदी जो है उसमें से एक में आप लोग को हिंदी लिखना है और दूसरे हिंदी के कॉपी में आप लोग को जीके लिखना है। तो आप लोग इसको लिख के इसको घर पर याद करेंगे और अपने घर में अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे।